विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। चले मित्र, अब मैं तुम्हें कुछ और गुण एवं ज्ञान से भरे प्राकृतिक उपहारों से परिचित करवाता हूँ। आओ। मित्र भंड कुमार, चौथा गुण तुम्हें जल से सीखना है। जल के समान परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को किसी भी आकार में ढाल कर अपने मार्ग की बाधाओं पर विजय पाकर निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना सीखो और दूसरों की मलिनता को दूर कर उन्हें पवित्र करना भी सीखो। सीखूंगा, अवश्य सीखूंगा कि जैसे जल सभी स्थानों पर पहुंच सकता है तो मलिनता भी सर्वत्र फैल सकती है। आओ मित्र। कुमार भयभीत मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हें यहाँ अग्नि से कोई क्षति नहीं पहुँचेगी, अपितु एक महत्वपूर्ण सीख प्राप्त होगी तुम्हें। अग्नि जिसका स्पर्श करती है उसे अपनी पावन ऊर्जा से सुधार कर पवित्र बनाती है, क्योंकि जो जल में नहीं घुलता वायु से प्रभावित नहीं होता, उसे एकमात्र अग्नि ही अपने भीतर समाहित कर नवीन रूप प्रदान कर सकती है। नहीं मित्र, आपकी ये सीख भी उचित नहीं, क्योंकि अग्नि तो यही सिखाती है कि जो भी तुम्हारे निकट आने का दुस्साहस करे उसे भस्म कर उसका अस्तित्व ही मिटा दो। चले मित्र। चलो, मुझे आशा है कि अब तुम अच्छाई का ज्ञान प्राप्त कर अच्छाई और बुराई में भेद कर सकोगे और अपने जीवन में सदा अच्छाई का पालन करोगे। अच्छाई और हमारे महानायक। चिंता मत कीजिए मित्र, मैं आपकी सीख भली भांति समझ गया हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि उन सीखों का पालन मैं अवश्य करूँगा, किंतु यदि कुछ नहीं समझ सका तो चलता है ना। और वैसे भी जब उधर भोजन से रिक्त हो तो कहाँ पूर्ण बात समझ आती है। ओ हाँ, भोजन, मैं ये कैसे भूल गया कि तुमने अभी तक तो कुछ खाया ही नहीं है। वहाँ देखो मित्र, वहाँ तुम्हारे लिए पर्याप्त आहार है। रंग कुछ हरा अवश्य है, किंतु उसका स्वाद अत्यंत उत्तम होगा। आहार, स्वादिष्ट अवश्य होगा ये, और मुझे इसके हरे रंग से कोई समस्या नहीं है। मुझे तो ये अत्यंत रसभरा भी प्रतीत हो रहा है। तो फिर प्रतीक्षा क्यों करें? वैसे भी वो वृक्ष से पृथक होने ही जा रहा है, तो उसे शीघ्र प्राप्त करना चाहिए हमें। मित्र, मैंने इसे प्राप्त कर लिया। कहाँ गया ये?
क्यों देख रहे हैं मुझे? मैंने तो अपना आहार ही प्राप्त किया। तुम्हें ज्ञात भी है तुमने क्या किया है? हाँ, मेरे द्वारा दी गई सभी सीखों के विरुद्ध जाकर निर्दयता से एक निर्दोष जीव की हत्या कर उसे निगल लिया तुमने। ये क्या किया तुमने भंड कुमार? आप मुझसे क्रोधित क्यों हो रहे हैं मित्र? जैसे आपको ये हरे और लाल आम के फल भाते हैं, वैसे ही मुझे वो हरे और लाल पक्षी। तो चलता है ना? नहीं, नहीं चलता है। ऐसे निर्दोष जीव की हत्या करना सर्वथा पाप है। किंतु आपने ही तो सीख दी थी कि मैं इस अनंत ब्रह्मांड का भाग हूँ, और उसी प्रकार इसमें जो भी है वो मेरा भाग है, सब एक ही है। तो यदि मैंने उस पक्षी को अपना आहार बना लिया तो क्या बुरा किया? अपने ही एक भाग का भोजन किया मैंने। वो पक्षी ब्रह्मांड का एक सजीव भाग था, उसका एक स्वतंत्र जीवन था, और ऐसे निर्दोष जीव की हत्या पाप है। तुमने अभी मुझे वचन दिया था कि तुम मात्र अच्छाई के पथ पर चलोगे, और अभी ऐसा घोर पाप करने में तुम्हें तनिक भी संकोच नहीं हुआ? ये कैसा व्यवहार है तुम्हारा भंड कुमार? किंतु इसमें क्या दोष है मेरा मित्र? आपने तो मात्र इतना ही बताया था, अच्छाई क्या होती है, पाप क्या होता है, उसका ज्ञान कहाँ दिया आपने? तो फिर ध्यान से सुनो, धर्म के जो भी विरुद्ध है वो पाप है। फिर वो वचन भंग करना हो अथवा एक निर्दोष पक्षी का वध हो, और ऐसे पाप करने वाले का मित्र मैं कदापि नहीं बन सकता। मित्र, मैं भी कहाँ किसी का शत्रु बनना चाहता हूँ, मुझे तो सबसे बड़ा शत्रु बनना है, महाशत्रु, अजात शत्रु। जिसके हृदय में अधर्म का अंधकार व्याप्त है, वो प्रथम पूज्य गणेश जी की कोई सीख भला कैसे प्राप्त कर सकता है? वचन भंग करना पाप होता, यही कहा था ना आपने, तो स्मरण कीजिए, आपने सूर्यास्त तक मेरे साथ रहने का वचन दिया था मुझे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा आज सूर्यास्त तक। आपने सत्य ही कहा था स्वामी, ऐसा कुटिल कपटी धूर्त ना कभी हुआ था और ना ही कभी होगा। अब बहुत अज्ञानी हूँ ना मैं, इसलिए मुझसे ये पाप हो गया। किंतु आप ही बताइए, यदि आपके मित्र को सबको धीरे धीरे समझ आता है तो क्या आप उसका त्याग कर देंगे? उस पाप से बचने का क्या उपाय है ये नहीं समझाएंगे उसे? उचित है, मित्र मित्र का साथ नहीं देना चाहता, तो मत रुकिए, जाइए गणेश जी। जब मैंने ये पाप किया है तो उसके परिणाम का सामना करने का उपाय भी स्वयं ही ढूंढ लूंगा मैं। पाप का फल दंड होता है, दंड होता है। किंतु मित्र, मैं दंड नहीं पाना चाहता, तो इस पाप के दंड से कोई कैसे सुरक्षित हो सकता है, बताइए ना मित्र। उसका तो एक ही उपाय है, पाप का प्राश्चित। प्राश्चित? हाँ, प्राश्चित भंड कुमार, सर्वप्रथम अपने पाप को स्वीकार कर क्षमा याचना करो, ये प्राश्चित का प्रथम चरण है। यदि किसी से पाप हो गया हो, अपनी भूल स्वीकार कर क्षमा मांग कर उसका प्राश्चित कर ले, तो वो धन का भागी नहीं बनता? हाँ, भूल स्वीकार कर क्षमा याचना करने से दंड नहीं क्षमा दान प्राप्त होता है। क्षमा याचना करने से दंड नहीं
समाधान प्राप्त होता है। शम्मा, मुझसे भूल हुई है। मैं प्राशित करने के लिए प्रस्तुत हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी प्रत्येक सीख का अनुचित अर्थ ही निकाल लेता है। कदाचित इस भंड कुमार को सुधारने का प्रयास करना मेरी भूल थी। मित्र, मेरी विचार से भूल मुझसे नहीं, आपसे हुई है। देखिए, मैं तो क्षमा याचना कर रहा हूँ, फिर भी नाग मुझे क्षमा करने के लिए तैयार नहीं। ये तो क्रोध से फुफकार रहे हैं मुझ पर। इसकी दुष्टता की कोई सीमा भी है अथवा नहीं? अच्छा रुकिए, मैं एक बार और क्षमा याचना करता हूँ। मुझे बहुत भालक से भूल होगी नागदेव, इसलिए शांत हो जाइए। मैं तो मात्र एक नहीं देखना चाहता था, जो शिक्षा मेरे मित्र गणेश जी ने दी है वो उचित है या नहीं। कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। गणेश जी की सीख को सत्य करने हेतु आपको ऐसा करना ही होगा। मैंने भूल स्वीकार कर क्षमा याचना की है आपसे, जिसे नकार कर आप मुझे दंडित नहीं कर सकते। इतना तो चलता है। गणेश जी की सीख को सत्य करने गणेश जी की सीख को सत्य करना ही होगा। आपको ऐसा करना ही होगा। सत्य ही कहा था, पाप होने पर क्षमा मांग लो तो क्षमा दान मिलता है, दंड नहीं। तो पाप हो भी जाए तो चलता है। कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। अपनी इच्छा से किया गया पाप मात्र पाप नहीं, आसुरी प्रवृत्ति का परिचय देता है। और मुझे नहीं ज्ञात था कि मैं एक मित्र नहीं दुष्टता का ही सृजन कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें अब तक जो भी शिक्षाएं प्रदान की, तुमने सभी का विपरीत अर्थ समझा, जो सर्वथा अनुचित है। इसलिए अब मैं प्रस्थान करता हूँ। रुक जाइए गणेश जी, आप मुझे ऐसे त्याग कर मत जाइए। मैं वही सीख रहा हूँ जो मैं समझ पा रहा हूँ। मैं एक ही दिवस में सब कुछ कैसे सीख सकता हूँ? कुछ भूल तो चलती है ना? मित्र, आपके भी तो जीवन के आरंभ में आपसे भी तो कोई भूल हुई होगी। वस्त्र के स्थान पर पशु चरण से अपना तन ढकते हैं, रहने के लिए कोई घर नहीं, नाम पूछो तो कहते सभी नाम मेरे हैं। ऐसी बात करने वाले को भैरू प्या नहीं तो और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, और क्या कहूँ। आरंभ से ही इसे सब कुछ ज्ञात होने पर भी ये अभूत होने का मिथ्या प्रदर्शन कर रहा है। आपने देखा नाथ, किस प्रकार ये गणेश जी के अतीत की घटना का उल्लेख कर रहा है। के बाद भी सुधरने का अवसर प्राप्त हुआ होगा, उचित सीख प्राप्त हुई होगी।
दर्शन के लिए तो आपकी माता थी, आपके पिताश्री थे, आपका परिवार था और ग्रह था, और आपके लिए सीखना समझना कठिन कहाँ रहा होगा। किंतु मेरे पास आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। भस्म से एक निर्जन स्थान पर उत्पन्न हुआ हूँ मैं, कदाचित इसलिए दुर्बुद्धि से ग्रस्त हूँ। किंतु आपका जन्म तो किसी अत्यंत पवित्र स्थान पे हुआ होगा, जो ज्ञान का सरोवर होगा, अच्छाई का ही स्रोत्र होगा। उचित कहते हो तुम, जहाँ ज्ञान की गंगा बहती है, जो ब्रह्मांड के सभी स्थानों में सर्वाधिक पवित्र स्थान है, जहाँ मेरे पिता का निवास है, मेरा निवास है, कदाचित वहीं जाकर तुम्हें सुबुद्धि प्राप्त होगी। इसलिए तुम्हें मेरे साथ कैलाश ही जाना होगा। धन्यवाद मित्र, धन्यवाद। मुझे अपने साथ कैलाश ले जाने के लिए मैंने मनाही लिया आपको। भंड कुमार का कैलाश में प्रवेश सर्वथा अनुचित है। ऐसी दुष्टता का प्रतीक कैलाश जैसे पावन स्थान में प्रवेश के योग्य नहीं। मित्र, क्योंकि मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ कि यदि कैलाश में भी तुमसे कोई त्रुटि हुई तो मैं भी ये भूलने पर विवश हो जाऊंगा कि मैंने ही तुम्हारा सृजन कर तुमसे मित्रता स्थापित की है। फिर तुम्हारी उस त्रुटि का भीषण परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा, और उस परिस्थिति में मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। आप ही ने तो कहा था ये महादेव का स्थान है, तो यहाँ कोई भूल कोई धृष्टता कैसे हो सकती है मुझसे। किंतु यदि छोटी से छोटी कर भी बैठूं, तो मित्र मान के क्षमा कर दीजिएगा। उचित है, मैं आपको वचन देता हूँ, यहाँ मैं अत्यंत सावधान रहूंगा, मैं कोई भूल नहीं करूंगा। अब तो चलिए। अवश्य। ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसने मुझे पीछे फेंक दिया। हमारे असुर महानायक वहां प्रवेश करने में इसलिए सफल हुए क्योंकि वे स्वयं गणेश जी के साथ थे। किंतु उस पवित्र सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण कैलाश में प्रवेश करने का अवसर हमें कहाँ प्राप्त होगा? उस कैलाश में हमारा प्रवेश तो वर्जित है। हम तीनों को तो यही रहकर प्रतीक्षा करनी होगी। तो तुम मेरे आहत होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, पूर्व में सूचित नहीं कर सकते थे? ये है महादेव का निवास कैलाश, और भंड कुमार होगा यहाँ का अब नवीन महादेव। क्षमा करना सरल हृदय व्यक्तित्व का गुण अवश्य है, किंतु मनुष्य को स्वयं के विवेक से ये अवश्य देखना चाहिए कि वो किस प्रकार की भूल को क्षमा दान दे रहा है।